आज हमारे गेस्ट हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अकबर जैदी साहब। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईबीए के। इससे पहले आप प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क में, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया और बहुत सारे इदारों में भी आपने पढ़ाया। पाकिस्तान में जो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान को जानता है या इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान को पढ़ता है, तो अगर वो सर को नहीं जानता तो उसका मतलब सादा सा ये है कि वो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं जानता और इकोनॉमिक्स को भी नहीं जानता। एक किताब थी सर की, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, वो हम जैसों के लिए वो एक बाइबल की हैसियत रखती थी। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वो किताब लिखने का, क्योंकि हमारे पास उस किताब के अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था जहां से हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को समझ सकें। सर, बहुत सारी स्टोरीज हैं कि ओवर द लास्ट 3 और 4 डेकेड्स पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, वो मतलब एक कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है ऑन एवरेज। तो सर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? इतना सादा सवाल है और इतना पेचीदा जवाब है कि इसीलिए मैंने वो किताब लिखी है जिसका आपने तस्कर किया, और उसका तीसरा एडिशन जो है वो शायद जहाँ तक मुझे याद है 850 पेज का है। तो आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी, शायद कुछ थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। मुझे तो अभी भी कई 4 दिहाइयां हो गई हैं मुल्क की मईशत के बारे में समझते हुए। ये मैं नहीं कहूंगा कि मुझे समझ आ गई है, पढ़ते हुए, लिखते हुए, देखते हुए। तो ये सवाल या दूसरे जो सवाल आप करेंगे, मुझे यकीन है वो बड़े मुश्किल से होंगे, क्योंकि सच बात ये कि बहुत सारी मुख्तलिफ हवाले से चीजों को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है, लेकिन अभी तक हमारी मईशत कुछ अजीबो गरीब है वाकई। इसमें कुछ एक क्या कहना चाहिए, एक एक, एक, एक फर्क तरह की है कि और मुल्कों के हवाले से अगर हम तजिया करें, आप पड़ोस में ही देख लें, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, यानी ये जो चीन हो, इन मुल्कों को देख लें तो उसमें हमें कुछ तसलसल समझ आता है, उसमें हमें कुछ पॉलिसी समझ आती है, उसमें कुछ हमें एक रब्त नजर आता है कि भाई ठीक है, इतने सालों से इस तरह की ये सिमत है, ये आपको बहुत वाजे तौर पर चीजें नजर आ जाती हैं और उन पर तजिया करना आसान होता है। पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें जो सबसे जो बुनियादी चीज है वो ये है जी, ऊपर नीचे जाती, यूं जाती नीचे जाती, यूं जाती यूं नीचे जाती, उसमें कोई तसलसल नहीं होता है। 2-3 साल के लिए हमारी ग्रोथ रेट अगर उसी से शुरू करें, क्योंकि वो एक एक तरह का एक एक कैप्चर करती है मुल्क की पैदावार कम से कम करती है, मुल्क की खुशहाली भी एक हद तक करती है लेकिन पूरी तरह नहीं। तो अगर हमारी ग्रोथ रेट देखें, हम देखते हैं कुछ अरसे से बढ़ती है, फिर हम देखते हैं फिर नीचे आ जाती है, फिर 2-3 साल बढ़ती है, फिर नीचे आ जाती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। और लेकिन ये अगर हम पाकिस्तान को 75 साल होने वाले हैं अगस्त में, अगर हम समझे 60 की दिहाई से शुरू करें, क्योंकि एक तरह से पहले जो 13 12 13 साल थे वो ऐसे थे कि यही नहीं पता था कि पाकिस्तान बच जाएगा नहीं जाएगा, नहीं बचेगा, इक्तसादी तौर पे क्या होगा, माइग्रेशन इतनी हुई थी, पंजाब में बहुत ज्यादा हुई थी, कराची और सिंध के दूसरे इलाकों में कम कम हुई थी लेकिन वो भी बहुत हुई थी। तो वो एक समझे पहले 10 12 साल जो एक एक ऐसा दौर था जबकि कई 8 या 9 हुकूमतें आई, हुकूमतें भी वो नाम की थी, एक जो गवर्नर जनरल आ रहे हैं, एक प्रेसिडेंट आ रहे हैं, एक वो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन समझे 60 की दिहाई जो कही जाती है वो एक तरह की पाकिस्तान की एक बुनियाद है, जहाँ पे इक्तसादी तौर पर जिसको तरक्की, अगर तरक्की नहीं तो उसमें ग्रोथ कह सकें, तरक्की डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत फर्क है, जिसमें आमतौर पे हम भूल जाते हैं कि जब हम तरक्की का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है तो ग्रोथ अगर अंग्रेजी में इसका तर्जुमा करें, लेकिन सही माने में वो डेवलपमेंट कहलाएगी। तो ये 60 की दिहाई से हम देखें तो क्योंकि हमारी बुनियाद इतनी कमजोर थी और पहला हमारा मार्शल मार्शल लॉ लगता है, फौजी हुकूमत आती है, एक तरह का इस्तेहकाम कह सकते हैं इन इन्वर्टेड कॉमर्स में, स्टेबिलिटी इन इन्वर्टेड कॉमर्स, लेकिन एक तरह का एक 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 सिलसिला शुरू होता है जो पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की की शुरुआत होती है। अब आज भी 2022 में भी लोग अयूब खान के दौर को सुनहरी दौर कहते हैं, पार्लियामेंट में भी उनके होते हैं वहां, वो भी अक्सर उमर अयूब खान वो भी अपने दादा के दौर का हवाला देते हैं, इमरान खान भी दे चुके हैं और अक्सर बहस होती है। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि वो दिहाई जो थी, समझे अगर हम 58 से 66 या 70 तक समझे, वो एक तरह तो मगरबी पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी थी और कुछ इलाकों के लिए अच्छी थी, ये भी वाजे करना चाहिए। हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और उसकी बहुत सारी वजूहत भी है, लेकिन मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में जो एक 11 12 साल का जो फर्क था वो और बड़ा, जिसके बाद से 1971 70 और 71 के वाकया सामने आए। तो ये जो ये बहुत जरूरी है कहना कि 60 की दिहाई
अगरचे पैदावार की दिहाई थी, तरक्की की दिहाई थी, लेकिन ये बहुत जरूरी है देखना कि किस नौयत की पैदावार थी, किस किस हद तक मुनसिफाना थी। इनकम इनक्वालिटी में बेहद वो इजाफा हुआ, रीजनल इनक्वालिटी में बेहद इजाफा हुआ। मसलन कराची, लाहौर और सेंट्रल पंजाब के जो इलाके थे उसमें बहुत ज्यादा खुशहाली, तरक्की जो आप कहना चाहते हैं मशरकी पाकिस्तान में नहीं आई। तो ये भी हमें सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक जो एक आम फहम बात है कि अयूब खान के दौर में बहुत तरक्की हुई थी, चले एक हद तक ये बात सही है, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी देखने चाहिए। अजीब बात यह कि उसके बाद जो जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया था वो एक तरह से ज्यादा मुनसिफाना था। अगर हम देखें इनकम इनक्वालिटी के हवाले से देखें, भुट्टो की जो इस्लाहात थी वो अजीबोगरीब थी, लोग भुट्टो को पसंद नहीं करते, आजकल के दौर में तो बहुत ही बुरा समझते हैं, क्योंकि नेशनलाइजेशन उन्होंने की थी, इस तरह की चीजें की थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हुई थी। और एक बहुत अहम बात जो हुई थी जब उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज की, बहुत सारी चीजें हैं जो बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज किया, तो उसमें ये हुआ कि पहले जो थे बैंक्स या 22 खानदान, एक नाम निहाद एक इस्तलाह थी जो महबूबुल हक ने, जिसके वो आप कहने वाले के उन्होंने इब्तदा भी डाली उस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी की कि वो 22 खानदान पैदा हो। फिर जब 22 खानदान पैदा हो गए थे, उनको 22 खानदान नजर आ गए थे कि बहुत ज्यादा गैर मुनसफाना निज़ाम था, तो भुट्टो की पीपल्स पार्टी की 66 और 69 की जो इकतसादी पॉलिसी थी वो यही वो मुनसफाना अंदाज की तरफ थी, आप उसको जो नाम देना चाहें। और रोटी कपड़ा मकान उनका नारा था, और उस वक्त की जरूरत भी थी और आज की जरूरत कुछ फर्क है, उस वक्त की जरूरत ये नारा सही बैठता था। तो उन्होंने बड़ी मजे की बात की, मजे की चीज की, उन्होंने जब बैंक्स को नेशनलाइज किया तो उन्होंने उन पर कहा अच्छा ये सरकारी तहवील में आ गए, उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अपनी जगह, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब वो क्रेडिट देंगे, वो देंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देंगे, मिडिल क्लास को देंगे, ज़रात को देंगे, जो पहले नहीं होता था। तो ये एक मॉडल था जिसकी वजह से हम देखते हैं एक एक कुछ हद तक मुनसिफाना तरक्की हुई मुख्तलिफ इलाकों में, ये छोटा जो जो मिडिल मैन है, जो मिडिल जो एंटरप्रेनर है वो निकल के आया। फिर उसके बाद 11 साल जो है, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक का दौर आता है, फिर वो एक और फौजी आमरियत की हुकूमत आती है, जिससे हमारे यहाँ तीन फौजी दौर अदवार हैं, तीनों में एक चीज बहुत फर्क है, तीनों बहुत फर्क है, लेकिन एक चीज है कि एक हुकूमत होती है 11 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने अरसे के लिए होती है, 9 साल के लिए होती है, और सबको पता होता है कि इसकी पॉलिसी क्या हो। तो वो एक तरह के हमारा जो है इक्तसादी जो जो निज़ाम है वो सरमायादाराना है, कैपिटलिज्म है, गैर मुनसिफाना है। सरमायादाराना निज़ाम की बुनियादी जड़ ही यही होती है कि ये जो गैर मुनसिफाना निज़ाम है, पैदावार और मुनाफे से उसमें और मुनाफा होगा, तो ये उसकी बुनियाद है। तो ये तीन जो बड़े अदवार आए हैं 1958 से लेके आज तक, ये फौजी आमरियत के आए, और इनमें हम देखते हैं क्योंकि एक हुकूमत होती है, उसके पास गालिबान वो गालिब किस्म का एक किरदार होता है माशरे में भी, इक्तसादियात के हवाले से भी एक रुख भी दे पाते हैं, कंट्रोल भी कर पाते हैं, हम देखते हैं इसमें तरक्की ज्यादा हुई। उसके बाद से हमारे यहाँ क्योंकि एक हमारा दो पहलू हैं, जो आपका सवाल इतना तवील है कि मैं अगर सिर्फ उसका जवाब दूं तो ये घंटा तो यही निकल जाएगा, तो मैं इसको महदूद और मुख्तसर करता हूं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो एक निज़ाम जो चलता है ना, देखिए दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तान की मिसाल देख रहे हैं, श्रीलंका की मिसाल देख रहे हैं, ईरान की भी मिसाल, जो मैंने तीन ममालिक चुनी है, चीन की मिसाल, ये चार ममालिक इर्द गिर्द हैं, इनकी मिसाल देखिए, इनके यहाँ एक एक आप कह दें जो भी उनका तरीका होता है मुल्क की सियासत का वो चला आ रहा है। कांग्रेस पार्टी आए, बीजेपी आए, कोई भी आए, मोदी साहब आए, वो इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, जमहूरी तरीका। चीन में एक फर्द तरीका का निज़ाम है, ईरान में कुछ लोग कहते हैं जमहूरियत है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन एक तसलसल है। श्रीलंका दुनिया के उन मुल्कों में है जहां जमहूरियत बहुत पहले आई थी, आपको अच्छी लगे बुरी लगे लेकिन एक जमहूरियत है। तो ये एक निज़ाम है जो चलता था। हमारे यहाँ ये है कि पहले जो के इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत कहना मेरे ख्याल इसको गलत होगा, अभी हम जमहूरियत के मकाम पे पहुंचे नहीं, इर्तका है थोड़ी बहुत। इलेक्शन होते हैं फौज आती है, इलेक्शन होती है फौज आती है, इलेक्शन होती है, अभी देखें अगले साल क्या होता है, इस साल क्या होता है, एक तसलसल है, हमें खुद नहीं पता। तो ये जब इस तरह का निज़ाम होता है ना, तो वो उसमें आप कह दें रवानी नहीं आती, एक तरह की एक उसका तसलसल नहीं होता, ये टूटता जाता कि जो। और दूसरा ये कि जब देखें अभी हमारे तीन इलेक्शन हुए 2008 के बाद, और तीन पार्टियां आई,
और तीन पार्टियां जो आई, तीनों जो है वो एक अलग अलग है, मिलके साथ नहीं चलती। एक तो ये, दूसरा जो हुआ है हमारे यहाँ 78, 69 से 80 की दिहाई से, वो हमारे इर्द गिर्द खासतौर पर अफगानिस्तान में जो हुआ है, चाहे वो वॉर ऑन टेरर हो, चाहे वो मुजाहिदीन हो, चाहे वो रूस के खिलाफ जंग हो, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ जंग हो, या वो जिस तरह की भी जंग हो, उसका पाकिस्तान पे बहुत असर पड़ा। तो ये चाहे हमारे, चाहे खासतौर पर वॉर ऑन टेरर पे, तो ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पिछले 21 साल से 2001 से आज तक ये उसका असर अभी तक मुल्क में चल रहा है, मईशत में चल रहा है, मुआशरे में चल रहा है। तो पाकिस्तान को समझने के लिए इसमें आप ये नहीं कह सकते ये पॉलिसी आनी चाहिए। पॉलिसी तो सारी आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, और लोग भी पढ़ते हैं, हम भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कहते हैं ये पॉलिसी है, लेकिन वो पॉलिसी उन मुल्कों में लागू होना मुश्किल हो जाती है जो कभी क्राइसिस स्टेट होते हैं, कभी दुनिया की सबसे जो गैर महफूज जगह, मोस्ट क्या कहते हैं, डिफिकल्ट प्लेस इन द वर्ल्ड ये कहा जाता है पाकिस्तान को, इस तरह के ममालिक में जरा मुश्किल हो जाता है। और ममालिक में एक स्टेबिलिटी होता है, एक निज़ाम होता है, हमारे यहाँ मेरा ख्याल है अभी तक वो नहीं आया। तो एक तो ये बुनियादी तौर पर हमारी इकतसादी सूरत हाल, इकतसादी नशो नमू, हमारी तरक्की जो जो आप कहना चाहते हैं, ये ऊपर नीचे इसी तरह से आती है, क्योंकि एक तरह का वो इस्तेकाम नहीं है। और दूसरी तरह हमारे इर्द गिर्द के जो खास तौर पे अफगानिस्तान, क्योंकि और जगह मामला जैसे भी हुए हैं वो एक हद तक आप समझ लें मुंजमद से हो गए, लेकिन अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान पूरे मुल्क पर, पूरे खत्ते पे जो असरात पड़े वो बहुत संगीन रहे। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है मतलब वो कभी सर बढ़ नहीं सकी, मतलब 15% ऑफ द GDP के आगे पीछे रही है, लेकिन जो हमारे जो बाकी जो कंट्रीज हैं जो साथ के, अभी नाम लिया आपने चाइना में, इंडिया में, वो तकरीबन 30% के आगे पीछे एक लंबे टाइम से वो कर रहे हैं। सर इसमें अब दो दो चीज़ें, एक चीज़ तो सर ये है कि क्या हमारा, हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसीज हैं या हमारे पास कोई ऐसा पोटेंशियल है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें, एक तो सर ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि किस सेक्टर के थ्रू, मतलब पब्लिक सेक्टर के थ्रू, PSDP के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, क्योंकि हम जब पाइड ने जो अपनी रिसर्च करी है, हम ये कहते हैं कि जो PSDP है वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर के से बात करें उसके अपने रोने हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में वो जो बिजनेस क्या होता है वो एक अनफ्रेंडली एनवायरमेंट है, वो जो भी है। तो मतलब सर एक तो ये कि क्या हमारे पास पॉलिसीज हैं या ऐसा कोई डायरेक्शन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक लंबे अरसे के लिए एक अच्छे GDP रेशो पे पहुंचे, और दूसरा कौन सा सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर? इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक है, सेविंग्स भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, दोनों कम है, और पूरे खत्ते में, पूरे साउथ एशिया में, और खासतौर पे चीन वगैरह से तो बहुत ही कम है। मेरा ख्याल है उसका एक वजह सियासी भी है। हम अक्सर जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, उसमें हम जो सियासी पहलू नहीं लेके आते, और वो पॉलिटिकल इकोनॉमी कह लें या पॉलिटिक्स कह लें या खत्ता कह लें, जियो पॉलिटिक्स कह लें, वो बहुत बहुत अहम हो जाती है। अब आप देखें 20 साल से आपके पास इन्वेस्टर्स बाहर से नहीं आ रहे थे, इस वक्त चाहे आप जो मुल्क देख लें, खासतौर पर चाइना देख लें, इंडिया देख लें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, जब ये सारी जो तीन चार जो ममालिक हैं इनकी इकोनॉमीज खुली रही और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाहर से आती रही, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, लोकल इन्वेस्टमेंट उसके साथ काम करता है और वो आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ कम अज कम 2001 से वो हमारा मुल्क बंद है, हमारे पाकिस्तानी भी नहीं आना चाहते थे, अब जाके बिल आखिर कुछ ऐसा ऐसा ये इन्वायरमेंट खुला है। तो ऐसा माहौल जहाँ पे हम क्रिकेट मैच नहीं होते थे, आप खुद सोचें, अभी यानी ये अक्कासी करता है, अभी अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आने वाली है अगले महीने, और हमें, हम समझ रहे हैं कि ये 24 साल के बाद शायद आ रही है, और ये बहुत बड़ा इनकलाब है। जब ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, तो ये अकासी करता है उन चीजों की कि इन्वेस्टमेंट जैसी चीज नहीं हो सकती। एक तो ये बाहर से लोग आना नहीं चाहते, डरते हैं, जो भी है, और इसकी बहुत सारी वजूहत है। दूसरा आप देखें पाकिस्तानी सरमाया जो है वो खुद, या कैपिटल फ्लाइट जो होती है वो बाहर चली जाती है। पाकिस्तान में के कुछ सरमायादार जो है बहुत बड़े बड़े नामवर, श्रीलंका में भी और बांग्लादेश में उनकी फैक्ट्री है। जब यहाँ पे क्राइसिस हुई थी पहले, या तो बिजली की थी, या तालिबानाइजेशन था, या अफगानिस्तान की क्राइसिस थी, तो बहुत सारा सरमाया यहाँ से बाहर चला गया, दुबई चला गया, सारा दुबई जो है वो पाकिस्तान चलाता है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है। तो दुबई जाके कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आप खुद सोचें, यहाँ से कराची से 1.5 घंटे की फ्लाइट है, इस्लामाबाद से 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, और लोग जब जा सकते हैं वहां पे सरमाया लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अफगानिस्तान में भी जाके तैयार होते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? जाहिर है इसका ये मालूम दो तीन वजूहत आती, हिपोथेसिस आते हैं। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी एक वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि इस तरह जब पूरा आपका मुल्क सियासी तौर पर हिला हुआ हो तो ज़रा मुश्किल हो जाती है।
दूसरा ये हो जाता है कि बिल्कुल देखें इस वक्त जो है जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सारी दुनिया वो दे रही है कि भाई इसमें आना चाहिए, और वो जो ऐसा एक एक इंडस्ट्री कह लें या एक ऐसा शोभा है जहाँ पे तरक्की हो सकती है और हुई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ी है। लेकिन आप साथ साथ देखें जैसे जैसे ये तरक्की हो रही है टैक्स लगाया जा रहा है, उसी सेक्टर पे टैक्स लगाया जा रहा है जो तरक्की कर रहा है, क्योंकि टैक्स टैक्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा मसला है। 17% GST लगा दिया, फोन्स पे लगा दिया, लैपटॉप पे लगा दिया, इंटरनेट पे लगा दिया, फोन कॉल्स पे लगा दिया, जो आपका जो सेक्टर जो है जो बढ़ना चाहिए जो बढ़ रहा है उसी को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा हमारा टैक्स का निज़ाम जो है इतना गैर मुनसफाना है कि आपको भी पाइड की भी स्टडीज बताती हैं, हम भी बताते हैं, सारी दुनिया में ये बात मशहूर है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1% से कम आबादी का हिस्सा इनकम टैक्स देता है, और वो भी जबरन लिया जाता है, आपसे लिया जाता है और मुझसे लिया जाता है, क्योंकि हमारी तनख्वाह सरकार देता है और वो कट जाती है एट सोर्स, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये पैसे कटते हैं, और इसके अलावा वॉलंटरिली जाके इनकम टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। टैक्स तो सभी देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हर चीज पे, लेकिन टैक्स नहीं दिए तो हमारा एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, और वो टैक्स उन्हीं लोगों से लिया जाता है जो थोड़ा बहुत जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह का नेगेटिव माहौल होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क नहीं है, और उसकी वजूहत ये है जो चाहे वो नैब हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो हमारी जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी जियो पॉलिटिक्स हो, ये सारी चीजें हैं। इसमें ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी एंटरप्रेनर नहीं, अब आप देखें ये स्टार्टअप्स जो हुए हैं, हर रोज मैं ये सोशल मीडिया पे देखता हूँ, IBA के हवाले से देखता हूँ, लम्स के हवाले से देखता हूँ, NED के हवाले से देखता हूँ, नस्ट के हवाले से देखता हूँ कि पाकिस्तानी जो है यहाँ पे मेहनत कश नौजवान बाहर जाके $1 मिलियन $10 मिलियन के स्टार्टअप्स कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर पाते। उसकी वजह यही है कि जहीन है, मेहनत करते हैं, आइडियाज होते हैं, सरमाया भी जमा कर लेते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से भागते हैं क्योंकि वो उनको उनको ये लगता है कि यहाँ पे मुनाफा कमाना सही तरह से ईमानदारी से और टैक्स देना बहुत मुश्किल है। तो ये वाजे बात है, ये क्लियर है कि इन्वायरमेंट जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं। दूसरा जो आपका आ जाता है, मैंने जो जो भी जो रिसर्च पढ़ी है वो ये कहती है कि जो एक एज एन इकोनॉमिस्ट हम ट्रिकल इन का और का कोई कॉन्सेप्ट होता है, कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती है तो उससे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भी उसमें शामिल हो जाता है। कि जो एविडेंस है, अब मैं लेटली नहीं देखा लेकिन पहले का, आज से कम अज कम 10 साल पहले तक का जो एविडेंस था जब मैं अपनी किताब को रिवाइज कर रहा था, तो उसमें ये क्लियर था कि जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होता है प्राइवेट सेक्टर उसके साथ साथ वो आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कहना कि ये प्राइवेट वर्सेस पब्लिक है, मेरे ख्याल है क्या तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनमें नहीं होता है, दोनों को साथ साथ वो तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भाई इतनी रुकावटें हैं, इतने कानून हैं, इतने ये एजेंसीज हैं कि फला है वो कागजात मांगते हैं और हमें सही तरह खुलकर काम नहीं करने, तो बिल्कुल सही है। पब्लिक सेक्टर का तो ये 100 रुपए में से 4 रुपए शायद इन्वेस्ट होते होंगे, बाकी इधर उधर बिखर जाते होंगे, लोगों की जेब में जाते हैं, या इनफिशियंट, जैसे आपने बात की वो एक अच्छा लफ्ज है करप्शन को छुपाने का कि इनफिशियंट है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, नाइजीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर था जिससे वो आगे बढ़े हैं। मेरा अब ये आपकी इसको बढ़ाना किस तरह चाहिए, अब मेरा ख्याल है कि जाहिर है प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मराहत देनी चाहिए क्योंकि अगर वो प्रोडक्टिव है, लेकिन जब आपको रिसोर्सेज और रेवेन्यू की जरूरत है तो आपको अपना टैक्सेशन का जाल बढ़ाना पड़ेगा, उसका उसको उसको जाल को फर्क जगह लेके जाना होगा। हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे टैक्स लगता है लेकिन वो जमा नहीं होता, वो शायद 1% है या 2%, 1% है या कुछ ऐसे बहुत ही कम है जो जमा होता है, और ये नहीं कि एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है, वो उसको सही तरह जमा नहीं किया जाता। तो ये बहुत सारे इस तरह की आप कहते हैं गैप्स हैं जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू बेस बहुत कम होता है, तो इस वजह से हम उनके पीछे भागते हैं जो जिनको पकड़ना मुश्किल होता है, कि सेल्स टैक्स लगा दो, वैल्यू एडिशन वैल्यू VAT लगा लो, या इंडस्ट्री से टैक्स लो क्योंकि इंडस्ट्री को पकड़ना आसान। इसी से सर छोटा सा जिमनी सा सवाल है, आधी बात तो आपने तकरीबन समझा दी है मुझे। सर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पे सर ज्यादा जोर क्यों नहीं दे रहे? सर जो भी गवर्नमेंट आती है वो सर वो ना FDI के पीछे भागती है, या बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है उन्हीं को इंसेंटिव मिल रहे होते हैं, जबकि जो लोकल इन्वेस्टर है उसके लिए हम बहुत सारी ना हर्डल्स खड़ी कर रहे होते हैं। हम उसके उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम फंड्स कहाँ से ला रहे हो, उसको NOC के पीछे लगा देते हैं, उसके रेगुलेशंस के पीछे लगा देते हैं, बहुत सारी मार्केट इंटरवेंशन
शुरू हो जाती है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट भी एक्सपीरियंस भी यही कह रहा होता है, थ्योरी भी यही कह रही होती है कि जो इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा ग्रो कराती है और लंबे अरसे तक कराती है। तो सर क्या कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद है या कोई ऐसा सजेशन है कि हमें लोकल इन्वेस्टमेंट पे जोर देना चाहिए या हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए? अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल है कि एक जमाने में तो जब ये ग्लोबलाइजेशन के इस महज पे हम नहीं पहुंचे थे तो बहुत सारे लोग यही कहते थे कि ये जो MNCs कहलाई जाती थी अब उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि ये आके मुल्क में अगरचे थोड़ा बहुत सरमाया लाते हैं लगाते हैं लेकिन उससे कई गुना वो वापस ले जाते हैं और ऐसा होता था रिमिट वो पैसा प्रॉफिट रिमिट वगैरह कर देते थे। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ चीजें थोड़ी बहुत बदल गई हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैसे सीपेक नामी चीज जो भी थी एक एक, एक बड़ा सा अजदहा है जो इतना बड़ा जिसपे मैं तो समझता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें फायदा कितना होगा, मुझे तो अक्सर लगता है कि इसमें नुकसान ही है और बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर चुके हैं। जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बात की और ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि आप बाहर की कंपनीज को आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आने दे रहे हैं, आप उनको मराद दे रहे हैं, आप उनको टैक्स ब्रेक्स दे रहे हैं, आप उनको मुख्तलिफ वो क्या कहते हैं इम्पोर्ट पे आप उनको सब्सिडीज वगैरह दे रहे हैं। लेकिन हम एक तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते, एक तो लोकल इन्वेस्टर जाहिर है चाइना के मुकाबले में बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो मुल्क से आते हैं वो भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये एक सारा एक जो एक कंपटीशन बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता और ये बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को आने से टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग है, स्किल्स की जो है, एक्सपोर्ट्स में जो वो आते हैं, क्वालिटी वो जो लेके आते हैं वो भी अहम है। तो ये तरजीहात इनको इस तरह नहीं देनी चाहिए कि मकामी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके खिलाफ हो, दिस इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट लोकल इन्वेस्टर्स। और टैक्स ब्रेक्स जो मिलते हैं सरमाया जो बाहर लेके जाते हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर लेके जाते हैं, इसकी वजह क्यों है? मेरे ख्याल वजह बहुत वाजह है। फॉरेन एक्सचेंज हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो है फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट है कि हम समझते हैं कि चले 1 अरब डॉलर आ जाएंगे, 2 अरब डॉलर आ जाएंगे, वो आके इन्वेस्ट कर देंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, बहुत अच्छी बात है आ गई। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम अपने स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स देखें या पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे देखें तो जो पैसा बाहर जा रहा होता है इन रॉयल्टीज, इन रिमिटेंसेस, इन डिविडेंड्स वगैरह वो जो जा रहा होता है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, तो जो भी हुकूमत आती है बहुत शॉर्ट टर्म समझती है, वो समझती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि बाहर से सरमाया आ रहा है, बाहर से इल्म आ रहा है, बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत अच्छी चीज है, आना चाहिए, लेकिन ये इस एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लोकल इन्वेस्टर्स। और खास तौर पर देखें अब इंडिया की मिसाल आप देखिए, इंडिया ने बहुत मुश्किल से इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने बहुत सख्त किस्म की कंडीशंस लगाई हुई कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो उसका जो जो प्रोपोर्शन है वो इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसका हिस्सा कितने होंगे, आमतौर पर 51% लोकल होगा, 49% जो है वो बाहर का आ सकता है, ज्वाइंट वेंचर्स वगैरह हो सकते हैं। और आप देखें कि हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए, उनकी मईशत किस तरह बढ़ी है, हम उसको क्योंकि हमारे कोई और इख्तलाफात होते हैं उसकी वजह से हम नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत गलत बात है, सारी दुनिया से सीखना चाहिए। चाइना एक अलग मुल्क है, इंडिया से भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन ये कि किस हद तक हमें प्रेफरेंस देना चाहिए लोकल इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इसका कुछ तनासुब हमें ढूंढना चाहिए, सही तनासुब। दूसरा ये कि जैसे इंडिया की बहुत बड़ी कंपनीज हो गई हैं, अफराद हो गए हैं जो यानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में जिनको गिना जाता है और वो इंडिया बेस्ड है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई बहुत ही कम ऐसे होंगे कंपनीज जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान बेस्ड होते हुए फॉर मल्टीनेशनल्स बन गई, शायद 1-2 ही होंगी जो आप कह सकते हैं दुबई और मिडल ईस्ट में जाके उनका कुछ कुछ उन्होंने पैर जमाए हों, लेकिन उससे आगे भी। तो ये क्योंकि हम जो मकामी इन्वेस्टर को तरजीह नहीं देते और उनके एक तरह से उनके खिलाफ एक बायस है हमारी सोच में, मेरा ख्याल हमारी सोच भी जो है ना IMF पे सारा सब कुछ छोड़ देते हैं, हम अमेरिका पे छोड़ देते हैं, हम फला मुल्क पे छोड़ देते हैं, अपने जो मकामी जो जहन है, सोच है, जो कहना एंटरप्रेन्योरशिप है उसको नजरअंदाज करते हैं। हमारी बिल्कुल एक कॉलोनियल सोच है, हमारे जो जो हमारी इलीट क्लास है वो बिल्कुल उसका उसका किबला कहीं और ही है, पाकिस्तान नहीं है। और मेरे ख्याल ये इलीट का जो एक बहुत बड़ा मसला है ना, ये इलीट हर जगह होती है, इलीट हर मुल्क में होती है, अच्छी बुरी होती है, और इलीट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने मुल्क का फायदा करते हैं। इंडिया में बहुत बड़ी इलीट है, श्रीलंका में बहुत बड़ी इलीट है, बांग्लादेश में
वो इलीट अब इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि वो बांग्लादेश को तरक्की करना चाहती है और दिखाना चाहती है। पाकिस्तान की इलीट कहती है यहाँ से वीजा कटाओ और निकलो, ये एक फर्क है। जो स्टेट का फुटप्रिंट है, मतलब हमारी जो रिसर्च है पाइट की, वो ये कहती है कि तकरीबन स्टेट का फुटप्रिंट इकोनॉमी के तकरीबन 60-70-80% के आगे पीछे, इन टर्म्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी स्पेस, इन टर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन। सर अब इसमें दो छोटी दो बातें हैं सर, एक क्या स्टेट एंड फुटप्रिंट के बगैर मतलब हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही बात यह है कि जो स्टेट है वो तो इनएफिशिएंट है, और अगर हम इसको कम नहीं कर सकते, स्टेट फुटप्रिंट को कम नहीं कर सकते, तो क्या इसको हम प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं? ऐसी कोई सिचुएशन या सिनेरियो नजर आता है सर आपको फ्यूचर में? तो कोई शक नहीं कि स्टेट के जो इदारे हैं उनको रिफॉर्म की जरूरत है, उनको अपने कंट्रोल छोड़ने की जरूरत है, और वो उस वक्त हो सकता है कि जब आपके पास मेरे ख्याल से एक जमहूरी निज़ाम हो जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया वगैरह, इस बात की जो आपकी पाइट की जिस बात की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते जो आई है वो यही बता रही है बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। तो देखिए चाइना में स्टेट बहुत बड़ा है, इंडिया में जो दो मिसालें दे, इंडिया में स्टेट बेइंतहा है, हर जगह है, हर जगह। अभी इंडिया और पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना उसमें बहुत सारे फर्क भी है लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है, क्योंकि वो साम्राज्य नौ आबादियाती निज़ाम के तहत से जो अंग्रेज साम्राज्य का निज़ाम चला आ रहा है, बल्कि ख़त्म नहीं हुआ चला आ रहा है दोनों जगह, उसमें फ़र्क उसकी उसका उसका रुख फर्क हुआ है। तो वो निज़ाम है जिसको उन्होंने बेहतर तरीके से उसको अपनाया है, स्टेट एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन, आई मीन ये सारी चीज़ें, बल्कि वहाँ पे स्टेट को स्टेट बल्कि बड़ी भी है। और हमारे यहाँ जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुई है वो हिंदुस्तान में नहीं हुई, जिस तरह से हमारे यहाँ यानी स्टेट को तो बुरा कहा जाता है, प्राइवेट सेक्टर को भी बुरा कहना चाहिए। यहाँ पे भी आप देखें कम से कम स्टेट इस बात की वो क्या कहते हैं गारंटी देता है कि आपकी तनख्वाह इतनी होगी। प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और ये जो है, और जिस तरह के 2000, 8000, 6000 की नौकरियां दी जाती हैं, जबकि ये कहा जाता है कि मिनिमम वेज आपकी 25,000 है सिंध में और जगह अगर 21,000 है, तो प्राइवेट सेक्टर तो उसको उसको, उसको नजरअंदाज कर देता है, स्टेट सेक्टर नहीं कर सकता। तो मैं ये जानते हुए कि स्टेट में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम उसको ये आजकल का खासतौर पर पाइड में ये एक नया रिवाज हो गया कि मार्केट सब कुछ है, और ये आपके हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी लूंगा, नदीमुल हक साहब की खास तौर पे सोच भी है, वो कहते हैं ये स्टेट इनएफिशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर वो भी इनएफिशिएंट लेकिन कम इनएफिशिएंट है। मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, लेकिन जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है आखिरी वाली जो हुई थी जिसमें मैं भी गया था पिशावर, उसमें यही था कि स्टेट को रिजेक्ट करो, स्टेट ही बुरा है, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक रुख से दूसरी रुख जाने का है, दोनों में खामी है, ये हमारे मुल्क में खामी है, हम लोगों में खामी है, हमारे तरीकेकार में खामी है, हमारे ये स्टेट सेक्टर अच्छा नहीं है और स्टेट सेक्टर इतना बुरा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ना अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर से भी जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा इसमें जो स्टेट सेक्टर का अगर आप कहें कि क्या करना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि अगर वो बुनियादी तौर पर तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इस तरफ अपना रुख करें और इंडस्ट्री वगैरह से हाथ छोड़ दें, मसलन उसका काम नहीं होना चाहिए कि वो कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं और वो मोटरसाइकिलें बना रहे हैं और वो बैंक चला रहे हैं, स्टेट का काम होना चाहिए यार ये ऐसी फिजा पैदा करो, ऐसी पॉलिसी पैदा करो, ऐसा माहौल पैदा करो कि प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सेक्टर दोनों काम कर सकते। और हमारे यहाँ एक मसला भी है कि जिसको आप स्टेट कह रहे हैं मैं उसको कुछ और नाम कहूँगा, वो इतना हावी है कि वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं। कुछ इदारे स्टेट के ऐसे हैं कि वो ये तय करते हैं कि स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए और उसमें आप और मैं कोई फैसला नहीं कर सकते। आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपका इदारा भी, हमारा भी, आपकी यूनिवर्सिटी हमारी, इधर हम अगर पॉलिसी में देना चाहते, कुछ इदारे ऐसे हैं स्टेट के अंदर रहते हुए वो इतने उनका उनका इतना वजन है कि कुछ पॉलिसीज जो हैं वो खुद ही तय करती हैं और उनके पास जमीन इतनी है, उनके पास हाउसिंग सोसाइटीज इतनी है कि ये आप वो एक पोलिटिकल इकोनॉमी का इशू है, ये पब्लिक पॉलिसी का इशू नहीं। हमारे यहाँ जो बुनियादी चीज है जो मुझे समझ आई हमारी मईशत के बारे में, मैं इकोनॉमी की बात नहीं करता, पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें अफराद, उसमें इलीट, उसमें ऐसे इदारे जो बहुत सारे तरह तरह के जा रहे प्राइवेट सेक्टर, तो ये नाहमवार है। और क्योंकि ये इतना नाहमवार है, कुछ इदारों के पास इतना कब्जा है, इतना जबर है हमारी सोच पे, जमीन पे, पॉलिसीज पे, कि जब तक उस तरह का नाहमवार एनवायरनमेंट होगा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो
बुनियादी चीज है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर। तो आप लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे ना, पहले आप कहेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, फिर प्राइवेट सेक्टर, मैं फिर आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जो प्राइवेट सेक्टर की बात करते, मैं कहता हूँ इसमें प्राइवेट सेक्टर कहाँ आएगा, बेचारा मरा हुआ है। इस वक्त स्टेट ही जो है वो सारा बर्डन कंज्यूमर पर डाल रहे हैं। आप देखें सुबह को बिजली की रेट्स बढ़े, बल्कि रात के 12 बजे पेट्रोल का रेट बढ़ा, ये मार्केट ने नहीं बढ़ाया, स्टेट ने बढ़ाया। तो अब ये देखें यही हो जाती है ना बहस जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, कि ये मैं तो कह रहा हूँ कि द स्टेट इज क्रिएटिंग रेंट्स बाय इट्स पॉलिटिकल पावर, बाय इट्स पावर। चीनी की कीमत पे आप बात कर लें, यानी वो ये ग्रो है जिसने 55 से लेके 120 तक का, पता नहीं आजकल क्या है चीनी का, 105 110 जो चल रहा है रेट तक लेके गए हैं। इसमें स्टेट भी मुलव्वज़ है, ठीक है, इसमें स्टेट के इदारे भी, अफराद और स्टेट दोनों मुलव्वज़। तो हमारे यहाँ यानी ये फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या शुगर माफिया को आप स्टेट कहेंगे या नहीं कहेंगे। मैं तो कहूंगा यार ये बड़ा मुश्किल ये है, क्योंकि बजाहिर तो ये आजाद है, लेकिन ये वो लोग हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं, ये नेशनल असेंबली में इनकी बिल्डिंग होती है और जगह होती है, और ऐसे इदारे हैं जो बाकायदा स्टेट के हैं, जो 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 बहुत बड़ी जिनकी जिनकी ये मिल्स वगैरह है। तो ये आपको सब जगह मिल जाए। तो ये आपका ये कहना कि क्या प्रोक्योरमेंट प्राइस नहीं होनी चाहिए, ये है तो बड़ा संजीदा और बड़ा मुश्किल से इसका जवाब देने का, फिर इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ना आप ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं समझ आ रहा, मुझे बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे नजर आ रहे हैं कि यार ये कई जगह हो सकता है। जैसे मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इफरात दर जो है, जो अभी आज 11.5% है, जो बढ़ने वाला है, मजीद बढ़ेगा, उसका क्लियरली उसमें एक्टिव जो है, जो एक्ट जो है वो हमारी ये जो इसको क्या कहते हैं, जो प्राइसेस जो है जो स्टेट मुतय्यन करती वो है बुनियादी तौर, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो ये हो वो, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई कसूर नहीं। आप प्राइवेट सेक्टर को, बल्कि मैं तो कहूंगा शायद स्टेट प्राइवेट सेक्टर का रोल अदा कर इसमें, कि वो अपने तौर पे ये कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे कंट्री में मसला ये इस वक्त जो मुझे समझ आती है कि हमारे यहाँ जो सर्विसेज का शेयर वो बहुत ज्यादा है। सर इससे हम क्या इंडिकेशन लें, क्या क्या हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या हम किसी पोस्ट इंडस्ट्रियल इरा में जी रहे हैं, क्या सही है? एक और अच्छा सवाल है। देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ है, जो चाइना से दोस्ती करेगा ना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा वो डसेगा, उसे वो मार खाएगा। और ये चाइना हमारा दोस्त हो या ना हो वो अलग बात है, इस वक्त हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स को अलग कर लें। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि भी आपके पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं, कीनू है और बेड लिनन है और यान है, उसके अलावा दो तीन चीजों के अलावा कुछ है नहीं, आप ऐसे मुल्क के साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सारी दुनिया मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ चाइना का नेगेटिव टर्म्स ऑफ वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो, हर मुल्क है वो चाइना का मकरूज है, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं चाइना से सस्ती चीज आती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इवन हिंदुस्तान हो, कोई मुल्क हो, ये सारे ये एक आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो आप तो ये एक्सपेक्ट करें, ऊपर से आप उनको मराद दिए जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं इंडस्ट्री लगाओ। आप ये जो ये पेन है ये मैं क्यों लगाऊं इधर, जबकि मुझे चाइना से 25 रुपए का मिलेगा और यहाँ पे 58 रुपए का मिलेगा, तो मैं क्यों एज एन इन्वेस्टर में क्यों लगाऊंगा, ऑटोमेटिकली मैं सर्विसेज की तरफ जाऊंगा। 18वीं सदी में पहले ये ज़री इनकलाब आया, उसके बाद जो है ये सनती इनकलाब आया, फिर उसके बाद फाइनेंशियल आया, अब IT का आ गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आ रहा है, ये जो तसलसल है कि जरूरी नहीं होता कि हम ज़री इनकलाब ही में फंसे रहें और एग्रीकल्चर पर ही हमारा इन्हसार हो। बड़ी यानी मजे की बात है कि हमारी आबादी अब 220 मिलियन होगी, 22 करोड़ हो गई है, लेकिन तब भी गंदम की पैदावार इतनी हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, इतनी हो जाती है कि लोगों को मिल जाती है। फूड प्रोडक्शन में कुछ चीज़ों के पिछले चंद सालों में ये प्रॉब्लम हुई है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो जाहिर है कम से कम इतनी पैदावार होनी चाहिए कि हमारी मकामी जो मांग है वो पूरी हो जाए। कि अब ये इस मुल्क में जिसमें दालें भी इम्पोर्ट हो रही हों, यानी ये पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तारीफ की जाए और उसमें कहे कि पाकिस्तान की क्या खसूसियत है, तो मैं कहूँगा दाल, ठीक है, एक तरह से जैसे और जगह बांग्लादेश में आप कहेंगे चावल और मछली, ठीक है, श्रीलंका में कुछ और होगी वगैरह वगैरह। तो अगर दाल आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो इसका ये इतना बड़ा मार्केट एंड पब्लिक फेलियर है, ये मार्केट फेलियर भी है और स्टेट का भी फेलियर है कि अगर आप ये देर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद, देखिए हमने जो इंसेंटिव दिए, हम गन्ना उगाते हैं जो इस मुल्क में उगना ही नहीं चाहिए, अब आप कोशिश करें कि गन्ना बंद करें, नहीं कर सकते, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस दौर में तीसरी दिहाई में आप अगर कुछ लेवरेज कर सकते हैं जहां पे आपके सोशल सर्विसेज सेक्टर में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए हमारे मुल्क में
घिसी पिटी जितनी भी है, बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आप भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, आपके इदारे में भी होती, हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे पास एक एसेट है जो और मुल्कों में भी, मुल्कों में नहीं है, ईरान में नहीं है, थाईलैंड में नहीं है, कोरिया में नहीं है, अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बहुत कम चाइना में नहीं बोली जाती, लेकिन वो एसेट है, हम उसको लेवरेज नहीं कर पाए। हमारे यहाँ जो जो इंक्रीज हुआ है पिछले चंद सालों में, 2-3 सालों में, खासतौर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपको कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो घर बैठे हुए भी आप कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं, जो कुछ जो भी सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं, और पाकिस्तान उसमें इजाफा करे, वो सर्विसेज का सेक्टर हो जाता है। हमारे यहाँ ये टूरिज्म की बात की जाती है, वो अंडर डेवलप्ड है, मेरे ख्याल से उसमें एक पोटेंशियल है। तो जहां तक ये है कि जहाँ एग्रीकल्चर है, मेरे ख्याल से उसको कम अज कम इस हद तक तो जाना चाहिए कि इस जो सेल्फ सफिशिएंट फूड्स, फूड सेल्फ सफिशिएंसी होती है, वो बहुत जरूरी है कि, और हम नहीं रहे, अब हमारे मसाइल इतने हो गए कि अब हम बाहर से हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। और ये नहीं कि आबादी बढ़ी है, ये इसलिए कि हम जो एग्रीकल्चर को हमने सही तरह तरजीह नहीं दी। बहुत जो कुछ आपने बताई कि प्रोक्योरमेंट प्राइस की वजह से, मार्केट फेलियर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसका जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे, उसका एक बहुत बड़ा पानी का मसला है, तो ये एक मसला है और ये और बढ़ेगा। तो सर्विस सेक्टर में इतनी जान है, देखें बहुत सारे ममालिक, दुबई है और मुल्क, दुबई तो खैर मुल्क नहीं है, एक शहर ही है, लेकिन वो उसका उसका सारा इन्हिसार फाइनेंशियल सर्विसेज पे है, सर्विसेज सेक्टर पे है, टूरिज्म पे है, एंटरटेनमेंट पे है, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है, हमारे मुख्तलिफ तरह का मुल्क है, लेकिन ऐसे कुछ सर्विसेज सेक्टर में आप जाके ग्रोथ कर सकते हैं। अगर इंडिया की अगर आप मिसाल देखें, उनकी जो सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है, वो जिस रफ्तार से पिछले 20 साल में बढ़ी है, वो उसकी एक्सपोनेंशियल उसकी ग्रोथ रेट रही। हमारे यहाँ क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर पाते, हमारे कुछ और जो मसाइल शुरू में बात की थी वो है। तो मैं समझता हूँ सर्विसेज सेक्टर में बहुत जान है, जाहिर है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक रिवायती सेक्टर्स हैं और यहाँ पे हमारी कंजम्पशन होती है, कम अज कम वो पूरी करें, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में, तालीम में हम आगे जा सकते हैं इन चीज़ों में। वही ना सर, मतलब जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई इंडिकेटर लेंगे हम प्रायोरिटी का, तो वो इन्वेस्टमेंट ही लेंगे ना। मतलब कि अगर हमारी, अगर आज भी हम इन्वेस्टमेंट, अगर फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अभी भी प्रायोरिटी वो वाली नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम सॉफ्ट साइड ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर भी हम इन्वेस्टमेंट करें। तो सर बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 40 मिनट का आपसे प्रॉमिस किया था, तो 40 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट मुझे और दें कि सर डेमोग्राफी भी ये कहती है, इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, हम भी समझते हैं कि अगर हमने अपनी यूथ को या जो हमारे शक्ल मार्केट में जो लोग आने वाले हैं लेबर फोर्स को, अगर उसको हमने एब्जॉर्ब करना है, तो हमें एक लंबे अरसे तक हमें 8-7% ग्रोथ चाहिए। अब सवाल सर सिर्फ आपसे ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सेट ऑफ पॉलिसी या स्किल सेट या हमारी प्रायोरिटी या हमारा पोटेंशियल मौजूद है कि हम आने वाले 10-12-15-20 साल इकट्ठे हम 7-8% ग्रो कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। 7-8 या 5 करें बड़ी बात होगी, तालियां बजेंगी, बल्कि हम इस साल 5 करने वाले, तो उनका काम करो। देखिए हमारी ये करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हमारी एक्सपोर्ट बेस नहीं है, हम इम्पोर्ट सारी बुनियादी इम्पोर्ट्स पे है, तो ये तो होगा। और बल्कि ये IMF के साथ जो सारा मुआहदा हुआ है अभी पिछले हफ्ते, जो आखिरी जो उस पर हुआ, उसमें उसकी शर्त ही यही है, आप अपनी ग्रोथ रेट कम करें। यानी हैरत की बात ये, ऐसे मुल्क में जहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ आबादी में तकरीबन 2% इजाफा हो रहा है, यूथ आपकी 66% जो है 30 साल की उम्र से कम है, और वो ये आपकी रिपोर्ट भी ये कहती है, पाइड ने एक अच्छा काम किया है कि अब रिपोर्ट्स बहुत आने लगी हैं, हर तरह के हर हफ्ते एक नई रिपोर्ट आ जाती है, ये जो जो आपके ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट पे आई है। अब आप देखें, आप स्कूल्स, अब ग्रेजुएशन आप कह रहे हैं, हम लोग सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं कि तालीम के इदारे को आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। तो अब क्या पढ़ा लिखा मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा बेरोजगार बगैर पढ़े लिखे बेरोजगार से बेहतर है, एक हद तक मैं जरूर कहूंगा, लेकिन उसके और मसाइल हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। एज एन इकोनॉमिक कैटेगरी हम उसे नहीं देख रहे, एक फर्द को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं। हमारा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही, डेमोग्राफिक्स जो चेंज आ रही है, खवातीन की तादाद पढ़ाई में, लिटरेसी में बहुत तेजी से बढ़ रही है और बढ़ना चाहिए, जिसका मैं तो समझता हूँ कि खवातीन हमारी मईशत की बुनियाद है, हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। देखिए आपके घर, मेरे घर, किसी के घर में
अगर खवातीन काम ना करें तो आप और मैं काम नहीं कर सकते, ये एक एक सिलसिला है और हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, तो एक बहुत बहुत एक मिसिंग एक फैक्टर है। हम देख रहे हैं ऐसा ऐसा लड़कियों की तालीम में, प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी में, वो हमसे मर्दों से बेहतर काम भी करती हैं, उनके नंबर भी बेहतर आते हैं और सलाहियतें भी ज्यादा होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क फोर्स में आ रही है। तो कुछ अच्छे ट्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे वो 7-8% तो कहीं दूर से भी नहीं नजर आ रहा। और मुझे कोई ऐसा कोई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ना किसी गैर पॉलिटिकल पार्टी ने, ना IMF ने इस बारे में सोचा हो है कि ये पाकिस्तान का जो ये जहाँ फंसे हुए ना, पता नहीं कितने सालों से, 40 साल से, 20 साल से, 10 साल से हम यही फंसे रहे। मुझे तो लगता है कि ये जो हमारा तर्ज जिंदगी है, तौर तरीका है, मईशत का जो तरीका है, इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, आगे बढ़ने का तरीका है, मुझे उसमें कोई, जिसको हम कहते हैं ना इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल ब्रेक या ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नजर आ रहा। मुझे ये लाइन यूं चलती आ रही, कभी यूं हो जाएगी, कभी थोड़ी यूं हो जाएगी, यूं हो जाएगी, कोई उसमें कोई इस तरह का जो डिस्क्रीट जंप्स जो होते हैं ना, वो मुझे नहीं नजर आ रहे। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर जिस तरह के मुआशरे में मसाइल पैदा हुए हैं और होंगे, बेरोजगारी के हों और तरह के, वो होंगे। लेकिन एक और चीज मैं कहूंगा, आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि देखिए हमारे आदाद शुमार मेरे ख्याल से ये सही अक्कासी भी नहीं करते। ये आपके यहाँ दुरे नयाब का काम और दूसरों का जो काम है वो यही कहता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी, मिडिल क्लास होगी। एक तरह से अगर आप और मैं दोनों हम अगर पाकिस्तान की मईशत के अगर हम तालिब इल्म हैं, तो मुझे तो मुल्क समझ नहीं आता। ये तो मैं इतराफ़ करता हूँ, मैं मुल्क की मईशत मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं आती कि हम एक हद तक इतने खुशहाल कैसे हैं कि जब हमारे आदाद व शुमार इतने बुरे हैं। और ये खुशहाली नजर आती। मैं कल रात को इस्लामाबाद से आया हूँ और चले ठीक है 12 रुपये इजाफा हो गया, 12 रुपये पता नहीं कितने 3 पैसे जो इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में, उसके बावजूद ये एक तरह की हम देखते हैं ट्रैफिक जैम हुए हैं। हम आप खाने की जगहों पे चले जाएं, आपको कहते हैं भी यार कल आना, आज तो ये जगह नहीं है। और मैं सिर्फ ऊपर के वाले तबके की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास के सब शिकायत करते, कहते हैं यार चाय कितनी महंगी होगी, पहले 50 पैसे की थी, अब पता नहीं 50 रुपए की होगी, कितने की होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी मईशत समझ नहीं आती। मैं तो कहूंगा हमारे पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट अगर वो सिर्फ एक काम कर सके, उसका एक ही काम होना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत को समझ पाए, मुझे समझ, सबसे पहले मुझे सिखाए कि यार ये है क्या। मैं कहूंगा पॉलिसीज को छोड़ दो, स्टेट को छोड़ दो, पब्लिक पॉलिसी को छोड़ दो, वो तहकीक करे कि वो एक चीज समझा सके कि ये अजीबोगरीब मुल्क जो है, और ऐसे और होंगे, लेकिन ये अजीबोगरीब मुल्क जो है ये कैसे चलता है, 75 साल से चलता है और 75 साल और पता नहीं कितने और साल चलेगा, लेकिन ये चलेगा, चल किस तरह है, मुझे समझा दे बस। मैं कहूंगा शुक्रिया। सर मजा आ गया सर, बहुत शुक्रिया सर, आप सदा खुश रहे सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ एक नेक्स्ट अच्छे स्पीकर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।